वेरी गुड इवनिंग टू माई हाई माइंडेड स्टूडेंट्स आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू यर ओन चैनल लिटरेचर पोल्स एंड आई होप यू आर आर डूइंग वेल आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं एक टर्म है जिसका नाम है एब्सर्डिज़म तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दैट वॉट इज एबसर्डिज़म वैन इट्स स्टार्टेड इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इस टर्म को क्वन किसने किया वो देखेंगे फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ट्रेडिशनल प्ले में और एब्सर्ड प्ले में और इसके बाद हम लोग इसके जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे विद देयर एग्जाम्पल्स ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट तो एब्जर्डिज़म को ओरिजिन सबसे पहले हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब लोगों ने निगेट करना स्टार्ट कर दी अपनी मॉरल वैल्यूज़ निगेट करना स्टार्ट कर दिया रिलीजन और, और गॉड के खिलाफ होपलेस हो चुके थे निश्चित हो चुके थे उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उनकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है वो एक्जिस्टेंशनलिज़म की खोज में निकल चुके थे उनकी सर्च में निकल चुके थे कि एक्चुअली में एक इंडिविजुअल का क्या पर्पस है एक्चुअली में जब वर्ल्ड वॉर वन हुई थी तो लोग बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके थे लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद हालांकि लोगों ने जो थी वो इतना सोचा भी नहीं था कि इतनी डिस्ट्रक्शन होगी लेकिन सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों की वजह से वर्ल्ड वॉर टू हुई और उसमें जाने किन की गई इनोसेंस पीपल की कौन आर्मी के लोग वहाँ पर गए वो लोग जिनके पीछे से पूरी फैमिली जो स्टेबल नहीं थी जो गरीब लोग थे उनके आगे पीछे हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी थी और कैपिटलिस्ट को कोई को भी फ़र्क नहीं पड़ा था वो सिर्फ अपने पावर को बढ़ाने के लिए सिर्फ दूसरे उनको पर कब्जा करने के लिए उन्होंने अपने ही जो लोग थे उनको इस्तेमाल किया ठीक है एज एन आर्मी मैन एज ए लेबर एज ए फार्मर उन्होंने किसी भी चीज़ को नहीं देखा और लोगों ने सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए पावर दिखाने के लिए आम जानों का आम जानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया इस वर्ल्ड वॉर टू में लोगों ने अपने लवंस को खो दिया ठीक है अपने घर वालों को खो दिया तो इसके बाद लोगों में कोई भी होप जीने की नहीं थी तो ये सारे वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसकी वजह से अब्जर्डिज़्म हमारी सोसाइटी में आया ठीक है

आना स्टार्ट हो गए थे बट थिएटर ऑफ एब्जर्ड एक पूरी जो टर्म है एब्जर्डिज्म के फीचर्स जो है एल्बर्ट कैमस ने अपनी बुक में बताए लेकिन थिएटर ऑफ एब्जर्ड जो थे वो मार्टिन एसलिन ने अपनी एक बुक थिएटर ऑफ एब्जर्ड में सबसे पहले बताए तो चलिए देखिए मैं एल्बर्ट कैमस क्या कहते हैं ही डिफाइंस दैट द एब्जर्ड एज अ टेंशन क्रिएटेड बाय ह्यूमैनिटीज नीड फॉर मीनिंग एंड द यूनिवर्स रिफ्यूजल टू प्रोवाइड एनी वी कैन फाइंड नो एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड सो ऑल वी आर लेफ्ट विदिन इन डिफरेंट यूनिवर्स वे बैथ थिंग्स है विदाउट अ हायर पर्पज़ और जस्टिफिकेशन वो कहते हैं कि जो भी चीज़ इंसान को चाहिए ह्यूमानिटी के लिए इंसानियत के लिए प्यार घर कोई भी उसके जो जरूरत के सामान है वो यूनिवर्स हमें नहीं दे रही है कायनत हमें नहीं दे रही तो हमें कहीं भी खुदा के होने का एहसास नहीं होता हमें कोई भी सबूत नहीं मिलता कि खुदा जो है उसकी एग्जिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है तो इस दुनिया में जो भी बुरा होता है उसको कोई भी हिसाब किताब देना नहीं होगा बल्कि हमें खुद को ही हमारी लाइफ से ही करनी होगी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमसे इसके बारे में हिसाब किताब लें और अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि एबसर्डिज़म यह है कि आप बहुत ही क्योटिक यूनिवर्स में बिना पर्पज़ के रह रहे हो और जिंदा हो और ख़ुदा को रिलीजन को नहीं मानते एब्जर्टिज़म के फीचर्स में सबसे पहला फीचर है कि लाइफ इज मीनिंगलेस इसमें लाइफ को मीनिंगलेस दिखाया जाता है कोई वैल्यू नहीं दिखाई जाती पर्सनल फीलिंग्स को मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा जो है प्रायोरिटीज दी जाती हैं एब्जर्टिज़म में इसके अलावा कम्युनिकेशन गैप दिखाया जाता है और वर्ल्ड को इरेशनल दिखाया जाता है तो चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं ट्रेडिशनल प्ले और एब्बर्ट प्ले में तो ट्रेडिशनल प्ले का सबसे पहला जो फीचर है कि इनके करेक्टर्स बहुत ही वेल मोटिवेटेड होते हैं जबकि एब्जर्ड प्ले के मोटिवेटेड नहीं होते ठीक है इनका वेल ऑर्गेनाइज सारा प्लॉट होता है जबकि एब्जर्ड प्ले का ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट नहीं होता ट्रेडिशनल प्ले जो है इसके जो डायलॉग्स हैं करेक्टर्स के वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं बहुत ही रैशनल होते हैं जबकि एब्जर्ड प्ले के कुछ भी लॉजिक नहीं होता वो कब उनके डायलॉग्स खत्म हो जाते हैं कब उनका एंड्स हो जाते हैं बहुत स्टुपिट से डायलॉग्स होते हैं कुछ भी हमें पता नहीं चलता अच्छा जी ट्रेडिशनल प्ले की एक प्रॉपर बिगनिंग होती है मिड होता है और एंड होता है फर्स्ट uh, सेमेस्टर में हमने विच हार्ट पढ़ी थी जहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरह एक प्लॉट में ट्विस्ट आता है क्लाइमेक्स आता है और उसकी रेजोल्यूशन हो जाती है लेकिन एब्जर्ड प्ले में कोई भी स्टोरी पे फोकस नहीं किया जाता इसकी सबसे जो फेमस uh, एक तो वेटिंग ऑफ गोडो भी है एग्जाम्पल एक एमेडी भी है अगर आप लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा मैंने उस पर वीडियो बनाई है ट्रेडिशनल प्ले चेंजेबल है यानी इसके करेक्टर चेंज होते हैं इसके जो सिचुएशन है वो चेंज होती है डायलॉग्स चेंज होते हैं सीन्स चेंज होते हैं लेकिन जो हमारा एबसर्ड प्ले है वो स्टैटिक रहता है यानी कि रिमेन्स हर चीज़ सेम रहती है सिवाय माइनर्स चेंजिंग के तो ये इसके डिफ्रेंशिएट था तो अब इसके जो मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स हैं चलिए उनकी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास राइटर आ जाते हैं श्यामल बकेट इनकी काफ़ी ज़्यादा राइटिंग है जिनमें से मोस्ट फेमस जो इनके एब्जर्ड प्ले हैं पहला है वेटिंग फॉर गॉडऑट और दूसरा है एंड गेम वेटिंग फॉर गॉडऑट पे भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है आप वो भी देख सकते हैं हेल्पफुल होगी और दूसरे नंबर पर हमारे पास हैंडल पिंटर जिनके दो फेमस वर्क हैं द बर्थडे पार्टी एंड द केयर टेकर इसके अलावा जेन पॉल सटरे का नो एग्जिट है जिसपे मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ और जीनोनेस्को का एमेडी है जो बहुत फेमस है इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास राइटर्स हैं जैसे फ्रेंड्स काफ्ता हैं और एल्बर्ट कैमस हैं और आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी इनफैक्ट विश करना चाहूँगी उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं स्पेशली सेवन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जो कि बी इंग्लिश के हैं सो दियर स्टूडेंट्स यू नीड नॉट टू बी ए फ्री ऑफ चैलेंजेस इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ आई होप यू पास योर जेस्ट विथ एक्सीलेंस तो अब एब्जर्डिजन के एलिमेंट्स या मेन थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहला कॉमन एलिमेंट्स जो इसमें हैं वो सटायर है उसके बाद डार्क ह्यूमर है सटायर मीन्स डांस करना डाक ह्यूमर मीन्स जिसकी डबल मीनिंग हो ठीक है इनकॉर्गरिटी यानी कि किसी चीज़ की बेहतरती भी होना ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एब्जर्ड इज़म के किसी भी प्ले में नावल में जो है आपको मिल जाएंगे द बेसमेंट ऑफ रिजन बेसमेंट का मतलब होता है कि किसी को ये फील कराना रियलाइज़ कराना कि आपके पास इतनी अक्ल नहीं और है और इन द लास्ट जो है वो नथिंगनेस और इसके थीम्स जो हैं मीनिंगलेस आ जाता है उसमें एक्सिस्टेंशनलिज़म यानी इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बात की जाती है स्टूपिडिटी बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है आइसोलेशन दिखाया जाता है कम्युनिकेशन गैप के बारे में बात की जाती है